Hello student, today we are going to discuss a new topic in human anatomy and physiology, that is the tissue level of organization. हम लोगों ने पहले भी बात किया था regarding the structural level of organization, जिसमें included था the atomic level, or we can say that the chemical level, the cellular level, and today आज हम लोग बात करेंगे regarding the tissue level. So chemical level में क्या था? हम लोगों ने ये जाना था कि टू एटम्स या फिर मोर एटम्स आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं. इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन अगर देखा जाए तो मैंने एग्जांपल लिया था, दैट वाज ऑफ ग्लूकोज. फिर हम लोगों ने ये देखा था कि यही मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होकर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और सिमिलर टाइप के सेल्स आपस में कंबाइंड होकर टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में, एंड उनका अपना एक अलग डिफरेंट फंक्शंस होता है. सो द कंटेंट्स दैट आर इंक्लूडेड इन माय स्लाइड इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट, अ स्मॉल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द टिश्यू कि टिश्यू होता क्या है, ठीक है. देन द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मीन्स द एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू. फिर सारे टिश्यूज़ के बारे में मैंने डिटेलिंग में हर एक टिश्यू के बारे में डिस्क्राइब आउट किया है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. इसको एक्सप्लेन आउट करने की कोशिश की है तो उसका स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं हर एक टिश्यू का, उनका लोकेशंस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ लोकेटेड रहते हैं और उनके फंक्शंस क्या रहते हैं. ओके सो एक एक करके हम लोग डिटेलिंग में इनके बारे में पढ़ेंगे. सो पहले स्लाइड में मूव करते हैं, दैट इज़ वॉट इज़ द टिश्यू. टिश्यू के अगर देखा जाए, मैंने अभी आप लोगों को जैसे बताया कि सिमिलर टाइप के सेल्स आपस में कंबाइंड होकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं. यहाँ पर आप लोग एक और वर्ड देखोगे, दैट इज़ द हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? हिस्टोलॉजी को अगर हम लोग दो भागों में ब्रेक करते हैं, दैट इज़ द हिस्टो एंड द अदर वन इज़ द लॉजी पार्ट, ठीक है. मीन्स प्रीफिक्स और सफिक्स पार्ट को आपस में जब तोड़ते हैं तो इनका दो मतलब निकल के आते हैं. हिस्टो का मतलब क्या होता है? टिश्यू. एंड द लॉजी का मतलब ये होता है स्टडी ऑफ. तो यहाँ पर हमें किसकी स्टडी करनी है? यहाँ पर हमें टिश्यू की स्टडी करनी है. तो ये इसको देखा जाए तो हिस्टोलॉजी का मतलब क्या हुआ? द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. जब हम लोग स्टडी करते हैं टिश्यू के रिस्पेक्ट में, टिश्यू की जब स्टडी करते हैं उसी को हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं. सो ये तो बात थी रिगार्डिंग टिश्यू क्या होते हैं और हिस्टोलॉजी क्या होता है. अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग को पता है कि हमारे बॉडी में कौन कौन से टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट रहते हैं. सो इसका आंसर ये है कि हमारी बॉडी में बेसिकली चार टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट रहते हैं. पहला होता है दैट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन इज़ द कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज़ द मस्कुलर टिश्यू एंड द लास्ट वन इज़ द नर्वस टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू की बात किया जाए तो ये क्या करता है? एक प्रॉपर कवरिंग प्रोवाइड करता है हमारी पूरी बॉडी को और जितने भी हमारे बॉडी कैविटीज़ हैं, हॉलो ऑर्गन्स हैं या डक्ट्स हैं उनको लाइनिंग देता है, लाइनअप करता है, ठीक है. जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन टॉप एग्जाम्पल है स्किन का. हमारी स्किन क्या होता है? स्किन हमारी जो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ठीक है. और इसका काम क्या होता है? ये एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है. सो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट कौन सा टाइप होता है? दैट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू जो है बेसिकली इसके नाम से डिनोटेड है कि ये कनेक्ट करके रखता है हमारे जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है. एक तरीके से ये प्रोटेक्ट कर रहा है, दूसरी तरीके से क्या करता है? ये सपोर्ट करता है हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है. थर्ड वन दैट इज़ द मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है? ये मस्कुलर टिश्यू एक तरीके से कह सकते हैं ये जनरेट करता है फिजिकल फोर्स, ठीक है. दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर्स. हमारे जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं उनको मूवमेंट में हेल्प आउट करने के लिए मस्कुलर टिश्यू का एक रोल होता है, ठीक है. नर्वस टिश्यू की अगर बात किया जाए तो ये क्या करता है? नर्वस टिश्यू एक तरीके के डिटेक्टर्स की तरह काम करता है. मीन्स जितने भी हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस अकर होते हैं, ठीक है, तो उनको डिटेक्ट करता है एंड रिस्पॉन्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सिस. नर्व इम्पल्सिस को हम कह सकते हैं एक्शन पोटेंशियल की तरह ये रिस्पॉन्ड करता है जो भी चेंजेस अकर होते हैं, ठीक है. सो इस तरीके से क्या होता है? हमारे जो होमोस्टेसिस है वो मेंटेन आउट रहती है. तो ये एक ओवरव्यू था कि हमारे जो डिफरेंट टाइप के जो चार सेल्स होते हैं
ठीक है, उनका क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है। सिर्फ यहीं से ही फंक्शन सीमित नहीं है, बट आगे हम लोग जब पढ़ेंगे इनके बारे में तो हम लोग को और भी इनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे, जब इनकी और क्लासिफिकेशंस के बारे में हम लोग गो थ्रू होंगे। अगर हम लोग बात करें इनकी स्ट्रक्चर्स की, तो अगर हम देखें तो कनेक्टिव टिश्यू का अपना एक अलग फंक्शन होगा। एपिथेलियल टिश्यूज में जो सेल्स होती हैं आपस में जो है लिंक्ड अप रहती हैं, ठीक है, टाइटली जो है एक दूसरे से जुड़ी ही रहती हैं। मसल टिश्यू में अपना अलग मतलब स्ट्रक्चर्स होता है। नर्वस टिश्यू का अपना एक अलग स्ट्रक्चर्स होता है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि इनको अपना फंक्शंस अपना अलग अलग परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले स्ट्रक्चर की अगर पहले टिश्यू की बात करते हैं, दैट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू हम लोग जानते हैं, टिश्यू की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो टिश्यूज़ किससे बने हैं, सेल्स से बने हुए हैं, सिमिलर सेल्स से, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है ये कॉन्टिन्यूस शीट के फॉर्म में अरेंज रहता है। ये सिंगल शीट होगी या मल्टीपल लेयर की शीट्स होगी, ठीक है। तो ये जो सेल्स होते हैं आपस में एक दूसरे से जो है लिंक्ड अप रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, टाइटली क्लोजली पैक्ड रहते हैं, ठीक है, गैपिंग नहीं होती है सेल्स के बीच में। तो यहाँ पर जो है होता क्या है, गैपिंग नहीं रहती है, तो आपस में कम्युनिकेट आउट कैसे करते हैं, कम्युनिकेट आउट करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, सेल जंक्शंस। अब ये सेल जंक्शंस क्या होते हैं, ये मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन आउट किया है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सेल जंक्शंस होते हैं कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लें, देन ये टिश्यू के बारे में आप लोग पढ़ें, ठीक है। यहाँ पर जो सेल्स होते हैं बेसिकली टाइटली हेल्ड अप रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं आपस में क्लोजली, और यहाँ पर कम्युनिकेशन किस माध्यम से होता है, यहाँ पर सेल जंक्शंस के माध्यम से आपस में सेल कम्युनिकेट आउट करते हैं। अगर देखा जाए तो एपिथेलियल टिश्यू का ओवरव्यू, अगर ओवरऑल फंक्शन अगर देखा जाए तो क्या होता है, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। पहला तो काम इसका प्रोटेक्शन का होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा सिक्रीशन का होता है, एंड द लास्ट वन इज़ द एब्जॉर्प्शन फंक्शन। तो प्रोटेक्शन का काम अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी अंडरलाइनिंग टिश्यूज़ होते हैं उसको ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अंडरलाइनिंग टिश्यूज़ हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह हैं, और भी जो टिश्यूज़ हैं सबको एक तरह कह सकते हैं प्रोटेक्ट आउट करती है। तो जैसे कि एग्जांपल, जैसे मैंने आप लोग को अभी बताया, जो हमारी जो स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी रहती है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट आउट करती है कि हमारे जितने भी अंडरलाइनिंग टिश्यूज़ हैं उनके किसी तरह डिहाइड्रेशन ना हो जाए टिश्यूज़ का, या फिर किसी तरह मैकेनिकल या केमिकल डैमेज ना हो जाए, तो ये तरीके से प्रोटेक्ट आउट करती है। दूसरा फंक्शन होता है सिक्रीशन का। सिक्रीशन का हम ये जानते हैं जो भी ग्लैंड्स होते हैं उनका काम क्या होता है, सिक्रीशन करने का, ठीक है। अपना स्पेसिफिक हर ग्लैंड सिक्रीशन करती है। तो ये जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आप लोग को एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स। म्यूकस ग्लैंड है, वो क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन कराते हैं, ठीक है। तो ये सारे ग्लैंड्स किससे बने हुए हैं, एपिथेलियल टिश्यूज से। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लास्ट फंक्शन होता है, दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन फंक्शन। एब्जॉर्प्शन फंक्शन का अगर देखा जाए, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ये लाइन करते हैं हमारे जितने भी इंटेस्टाइन होता है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है उसका फर्दर एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को या एपिथेलियल टिश्यू लाइनअप करते हैं ताकि प्रॉपरली वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो पाए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं एपिथेलियल टिश्यू के। फंक्शन के बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं कि ये जो सेल्स होती हैं इन यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के सर्फेसिस प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीन प्रकार की सरफेस प्रेजेंट रहती है। पहला होता है एपिकल सरफेस, दूसरा होता है लिटरल सरफेस, एंड द लास्ट वन इज़ द बेसल सरफेस, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं पहले क्या होता है, देखो अब हम लोग ये डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। तो ये जैसे कि ये हमारी क्या है, ये एपिथेलियल सेल है, ये इसको मैंने मार्क्ड आउट भी किया है, ये सॉरी इसमें मार्क्ड भी है, ये हमारी क्या है, एपिथेलियल सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सेल दूसरे सेल से किस तरीके से कनेक्टेड है, टाइटली जॉइंड है, ठीक है। पहली अगर हम लोग देखा जाए तो कौन सी सरफेस रहती है, दैट इज़ द एपिकल सरफेस, इसको हम लोग फ्री सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो एपिकल सरफेस जो होती है एपिथेलियल सेल की, वो कहाँ पर फेस करती है, अब इनकी फेसिंग कहाँ कहाँ रहती है, कहाँ कहाँ फेस्ड आउट करते हैं, उनकी लोकेशन हम बता रहे हैं, ठीक है। ये फेस करते हैं बॉडी की सरफेस पे, या तो फेस करेंगे या बॉडी की कैविटी है वहाँ पर ये फेस आउट करेंगे, या फिर जो भी ल्यूमेन होता है इंटरनल ऑर्गन्स का वहाँ पर ये फेस आउट करते हैं, ठीक है। एपिकल सरफेस के अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये एपिकल सरफेस कंटेन कर सकती है माइक्रोविलाए,
है, सीलिया है, ठीक है। ये जो माइक्रोविलाए हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जहाँ पर मोस्टली क्या होता है सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का। तो एपिकल सरफेस में ये माइक्रोविलाए है, सीलिया प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए कौन सी सरफेस होती है, दैट इज़ द लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस देखिए मार्क्ड है, मतलब जो सेल्स के अगल बगल मतलब एडजेसेंट में जो सर्फेसिस प्रेजेंट रहती है उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस, ठीक है। तो लेटरल सरफेस में अगर हम लोग देखें कौन कौन से जंक्शंस प्रेजेंट रह सकते हैं, सेल जंक्शंस, तो हम लोग ये जानते हैं टाइट जंक्शंस भी वहाँ पर हो सकते हैं, डेस्मोसोम जंक्शंस भी हो सकते हैं, एडहेरेंस जंक्शंस भी हो सकता है, गैप जंक्शंस भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं लेटरल सर्फेस में, ठीक है। तो लेटरल सर्फेस कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, ये फेज आउट करती है ऑन दी एडजेसेंट सेल्स, जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं ऑन इधर साइड वहाँ पर ये लेटरल सर्फेस फेसिंग करती है, ठीक है, फेस आउट करती है। जो लास्ट सरफेस होती है दैट इज़ द बेसल सरफेस। बेसल सरफेस किसके अपोजिट प्रेजेंट रहती है, बेसल सरफेस आप लोग ये देख सकते हैं, ये बेसल सरफेस है। बेसल सरफेस किसके अपोजिट प्रेजेंट रहेगी, ये एपिकल सरफेस के अपोजिट। एपिकल सरफेस ऊपर के लिए है, तो बेसल सरफेस कहाँ पर है, डीप लेयर में, ठीक है। जो डीप लेयर होती है एपिथेलियल सेल की, वहाँ पर ये बेसल सरफेस प्रेजेंट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग ये देखें कि बेसल सरफेस में अपोजिट साइड तो प्रेजेंट रहती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सा जंक्शन प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पर हेमिडेस्मोसोम जंक्शन प्रेजेंट रहता है। हेमिडेस्मोसोम्स मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ, ये जंक्शन किसके बीच में फॉर्म होता है, जो डीप लेयर होती है एपिथेलियल सेल की, साथ ही साथ जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों बीच में जो इन दोनों सेल के बीच में जो जंक्शन का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हेमिडेस्मोसोम जंक्शन। तो ये हमारी जो लास्ट लेयर है, मान लीजिए ये लास्ट लेयर है एपिथेलियल की, उसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये पूरा जो ब्लूइश कलर का दिख रहा है, पर्पल कलर का, तो ये पूरा क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। सो ये बेसल सरफेस कहाँ प्रेजेंट रहती है, जो डीपेस्ट लेयर होती है एपिथेलियल सेल की, वहाँ पर जो है बेसमेंट सरफेस प्रेजेंट रहती है। और ये किसके अपोजिट होती है, ये एपिकल सरफेस के अपोजिट प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वर्ड आया है बेसमेंट मेम्ब्रेन, अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये बेसिकली थिन एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर होती है, ठीक है। ये कंटेन करती है दो लेयर्स, देखिए ये थिन एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर होती है और ये क्या कंटेन करती है, दो लेयर्स। पहली लेयर देखिए इसमें मार्क्ड है, दैट इज द बेसल लेयर, एंड द सेकेंड वन इज द रेटिकुलर लेयर, ठीक है। बेसल लेमिना हम लोग बोलते हैं, एंड दूसरा क्या बोलते हैं, रेटिकुलर लेमिना। अब ये लेमिना क्या होता है, दोनों में लेमिना वर्ड कॉमन है। लेमिना मतलब होता है थिन लेयर, पतली लेयर, ठीक है। बेसल की अगर हम लोग पहले बात करते हैं, बेसल क्या होता है, ठीक है, बेसल बेसिकली ये वाली जो लेयर होती है ये कहाँ पर लोकेटेड रहती है, ये एपिथेलियल सेल, ये जो एपिथेलियल सेल है ये लास्ट ही तो लेयर है एपिथेलियल सेल की, डीप लेयर, ठीक है, अंदर की लेयर, ठीक है। तो उसके पास ये बेसल लेमिना प्रेजेंट रहती है, ठीक। अगर हम बात करें रेटिकुलर लेमिना, रेटिकुलर लेमिना कहाँ प्रेजेंट रहती है, रेटिकुलर लेमिना प्रेजेंट रहती है नियर टू द कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके बाद कौन सा टिश्यू स्टार्ट हो रहा है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू। सो रेटिकुलर लेमिना किसके पास में है, ये कनेक्टिव टिश्यू के पास में है, और बेसल लेमिना किसके पास में है, ये एपिथेलियल लेयर के पास में है, मींस जो डीप लेयर होती है एपिथेलियल सेल की, वहाँ पर ये बेसल लेमिना प्रेजेंट रहता है। और रेटिकुलर लेमिना कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये रेटिकुलर लेमिना प्रेजेंट रहता है जस्ट अबव द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सो अगर हम लोग ये देखते हैं कि बेसल लेमिना ये क्या कंटेन करती है, ये तो हम जान गए हैं कि ये एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहती है बेसल लेमिना। ये कंटेन करती है प्रोटीन्स, कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, यहाँ पर कोलेजन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहती हैं, लेमिनाइन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहती हैं, साथ ही साथ कुछ अमाउंट में ग्लाइको प्रोटीन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। सेकेंड लेयर जो कि हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज़ द रेटिकुलर लेमिना। रेटिकुलर लेमिना इज प्रेजेंट जस्ट अबव द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट लेयर जो टिश्यू की स्टार्ट होती है, ठीक है, उसके ऊपर ही हमारा रेटिकुलर लेमिना प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये क्या कंसिस्ट करती है, ये कंसिस्ट करती है फाइब्रस प्रोटीन। अब ये फाइब्रस प्रोटीन प्रोड्यूस कहाँ से होती है, ठीक है, तो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं, ठीक, अब ये कौन सी सेल्स होती हैं, दैट इज़ फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या होता है कि ये फाइब्रस प्रोटीन का प्रोडक्शन कराती हैं, ठीक है। तो
तो हमारे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो लास्ट लेयर होती है दैट इज द रेटिकुलर लेमिना, ये कंसिस्ट करती है फाइब्रस प्रोटीन दैट इज प्रोड्यूस बाय द कनेक्टिव टिश्यू सेल ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, तो यही एक छोटा सा टर्म था बेसमेंट मेम्ब्रेन का, जो कि हम लोगों ने पढ़ा कि थिन लेयर होती है, इसमें दो लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं, बेसल एंड रेटिकुलर। बेसल जो कि एपिथीलियल के पास होती है, रेटिकुलर जो कि जो है कनेक्टिव के पास रहती है। ठीक है, लेमिना यहाँ वर्ड कॉमन था, लेमिना का मतलब ये होता है कि थिन लेयर। ठीक है, इन ये बेसिकली जो भी दोनों लेयर्स होती हैं अपनी अपनी प्रोटीन्स कंसिस्ट करती हैं, मींस बेसल कंसिस्ट करती थी कोलेजन एंड लेमिनाइन और कुछ अमाउंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंड रेटिकुलर लेमिना बेसिकली कंसिस्ट करती है फाइब्रस प्रोटीन विच वॉज बीन प्रोड्यूस बाय द कनेक्टिव टिश्यू सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। फिर उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन ये होता है एक तरीके का, ये अटैचमेंट का काम करती है। ठीक है, ये जो ये मतलब एपिथेलियल सेल हैं, बाद में कनेक्टेड टिश्यू हैं, एक तरीके से आपस में अटैच्ड आप रहते हैं, तो अटैचमेंट का काम करती है। साथ ही साथ ये सपोर्ट करती है, सपोर्टिव का फंक्शन होता है, मीन्स जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज़ की ओवर मतलब जो प्रेजेंट रहते हैं, एक बीनीथ दूसरा एपिथेलियल टिश्यू है, ये सब प्रेजेंट रहते हैं, तो उनको आपस में सपोर्ट आउट करके रखती है। ठीक है, सो ये छोटा सा फंक्शन था रिगार्डिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिगार्डिंग द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस के बिहाफ में एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड आउट किया गया है। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन, थैंक यू।